दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले। दोस्तों, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI द्वारा आयोजित IPL मीडिया राइट्स की बोली मंगलवार को समाप्त हुई। 12 जून को शुरू हुई इस बोली में स्टार इंडिया ने IPL के TV और वाईकॉम ने डिजिटल राइट्स खरीद लिए। इसकी आधिकारिक पुष्टि BCCI के सचिव जय शाह ने ट्वीट कर की। BCCI ने 2023 से 2027 तक के लिए मीडिया राइट्स बेचे हैं। दोस्तों, BCCI ने मीडिया राइट्स 4 पैकेज में बेचे हैं। बोर्ड ने मीडिया राइट्स कुल 48,390 करोड़ रुपए में बेचे हैं। स्टार इंडिया ने 23,575 करोड़ रुपए में TV राइट्स को अपने नाम किया। वहीं वाईकॉम 18 ने 23,758 करोड़ रुपए में डिजिटल राइट्स पर कब्जा किया। वाईकॉम ने ही पैकेज C को भी अपने नाम किया। उसने इसके लिए 2,991 करोड़ रुपए की बोली लगाई। वहीं पैकेज D को वाईकॉम और टाइम्स इंटरनेट ने मिलकर 1,324 करोड़ रुपए में खरीदा है। दोस्तों, पैकेज डी का अधिकार पाने वाली रिलायंस की स्वामित्व वाली वाईकॉम 18 ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका और ब्रिटेन में मैचों का प्रसारण करेगी। इससे पहले दोस्तों आपको बता दें कि स्टार इंडिया ने सितंबर 2017 में 16,347 करोड़ रुपए की बोली लगाकर 2017 से 2022 तक के मीडिया राइट्स खरीद लिए थे। तो दोस्तों, अब कुल मिला के IPL के सभी लीग मैचेस स्टार स्पोर्ट्स पर, इसके अलावा प्लेऑफ के सभी मैचेस वाईकॉम पर दिखाए जाएंगे। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना।